रुक करेंगे अलवर लोकसभा उपचुनाव का। अलवर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। डॉक्टर जसवंत यादव ने जिला निर्वाचन के समक्ष उपस्थित होकर नामांकन जमा कराया। इससे पहले डॉक्टर यादव के चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाना, रोहिताश्व शर्मा, विधायक ज्ञानदेव आहूजा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे हैं। नामांकन के बाद कंपनी बाग में विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया है। एक एक व्यक्ति को उठ पर लेकर गए। छत्तीस सौ कौम मेरे साथ है, हर वर्ग हर समाज मेरे साथ है और मैं ऐसे ही नहीं कैंडिडेट हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मुझे एक एक वोट का पता, इतना एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, दुनिया भर के चुनाव जीता हारा मेरे ज़्यादा कोई गाता नहीं है और ये चुनाव मेरा लक्ष्य अब जीतने हारने का नहीं, मेरा लक्ष्य महाराज जी के 2,80,000 के आंकड़े को ऊपर क्रॉस करना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अलवर से हमारे एवन संवाददाता चंद्रशेखर हमसे जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, आज जसवंत यादव ने भी नामांकन बीजेपी से दाखिल कर दिया है। जी पूजा, बताना चाहूंगा कि आज भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव ने नामांकन भरा है। इस अवसर पर एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है। बड़ी काफी उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जिसको लेकर आज जो नामांकन भरा है उसके बाद जो जनसभा हुई है उसमें हजारों की तादाद लोग इकट्ठे हुए हैं और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनावी भी जनसभा में मौजूद हैं। पूजा जी, चंद्रशेखर, अब चुनावी टसल किस तरह से देखने को मिलेगी, क्या आपका अनुमान है? बिल्कुल, मुझे बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से भी डॉक्टर करण सिंह यादव कैंडिडेट है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अहीर वर्ग से ही अपना प्रत्याशी उतारा है। कुल मिलाकर दोनों के नामांकन की प्रक्रिया दोनों प्रत्याशियों की पूरी हो चुकी है। अब चुनावी जो माहौल है अब धीरे धीरे अलवर जिले में बनने लगा है और दोनों ही यादव वर्ग से होने के कारण जो गैर अहीर वर्ग है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड है कि जिस वर्ग में पार्टी के साथ ये लगेंगे उसी के जीत की संभावना ज्यादा रहेगी। पूजा जी, चंद्रशेखर, कंपनी बाग में जनसभा आयोजित की जा रही है, इसमें क्या क्या बोलते हुए जसवंत यादव सुनाई दिए हैं या अशोक परनामी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनसभा में अशोक परनामी ने अपना संबोधन दिया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में और राज्य में अगर विकास करवाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहो। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हुई है उनसे हर वर्ग का विकास हुआ है और राजस्थान भी विकास की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर हो रहा है, तो चूंकि विकास के नाम पर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। हमारे एवन संवाददाता अलवर से चंद्रशेखर हमसे जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी सरकार वहां पर विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ रही है और कह रही है कि आप हमें वोट दीजिए ताकि केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्य में भी बीजेपी सरकार रहे और योजनाओं का जनता को लाभ मिल सके।